पद्मावत ने चौथे दिन में ही मार दी है सेंचुरी। चौथे दिन में पद्मावत हुई है 100 करोड़ से भी पार। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म पद्मावत विवादों के चलते काफी सुर्खियों में रही है। माना जा रहा है कि फिल्म से जुड़े ये विवाद ही आज फिल्म के लिए पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत ने सबसे तेज 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड बना लिया है। रिलीज के 4 दिन में ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। पद्मावत ने अपने पहले वीकेंड से 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेते हुए 115 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर दिया है। आपको बता दें कि पद्मावत 24 जनवरी को पेड प्रीव्यू के जरिए शाम को रिलीज हो गई थी, जिसमें फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ 25 जनवरी को 19 करोड़, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का फायदा उठाते हुए 32 करोड़ और 27 जनवरी को 27 करोड़ की शानदार कमाई की है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार पद्मावत ने 28 जनवरी यानी संडे को 31 से 32 करोड़ का कारोबार किया है। इस हिसाब से पद्मावत ने 25, 26, 27 और 28 जनवरी को मिलाकर 110 करोड़ का बिजनेस किया है। और अगर इसमें पेड प्रीव्यू की कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो 5 दिन में फिल्म पद्मावत ने 115 करोड़ का कारोबार कर दिया है। फिल्म को लेकर विवादों को देखते हुए ये कलेक्शन बेहद काबिले तारीफ है। देश भर के अलावा पद्मावत की ओवरसीज कमाई भी उम्मीद से काफी ज्यादा है। पद्मावत के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 40.08 का कलेक्शन कर दिया है और इस हिसाब से पद्मावत का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 155.08 करोड़। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म ने जितना कंट्रोवर्सीज के चलते परेशानियां उठाई हैं, उससे कई ज्यादा सुकून फिल्म के कलेक्शन को देखकर मिल रहा होगा। और अभी तो आने वाला पूरा वीकेंड बाकी है। फिलहाल पीएमएस मीडिया में बस इतना ही। खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए पीएमएस मीडिया के साथ।